नमस्कार। श्रद्धा और आफताब की इस दिल दहला देने वाली कहानी के फ्लैशबैक में जो खौफनाक साजिश छिपी थी, अब एक एक करके वो दुनिया के सामने आ रही है। इस साजिश के कई खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा और आफताब के रिश्तों में खटास आने की शुरुआत तब हुई जब आफताब ने श्रद्धा की मां की मौत के बाद श्रद्धा को नॉमिनी के तौर पर मिले पैसे उधार के लिए लिए और उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करने लगा। उसी दौरान आफताब काफी ज्यादा चरस और गांजा पीने लगा। श्रद्धा जब भी अपने पैसे आफताब से वापस मांगती, वो नशे में श्रद्धा के साथ मारपीट करना शुरू कर देता था। सूत्रों के मुताबिक नशे की लत पूरी करने के लिए आफताब ने श्रद्धा से पैसे उधार लिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में जब श्रद्धा और आफताब के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे, तो ये आफताब के ही प्लान का हिस्सा था कि वो उसकी हत्या कहीं दूर ले जाकर कर दे। बुरी तरह खराब हो चुके अपने रिश्तों को नए सिरे से शुरू करने के बहाने उसने मार्च के महीने में श्रद्धा को उत्तराखंड और हिमाचल के लंबे टूर पर चलने के लिए मना लिया। दोनों उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने के बाद हिमाचल के कसौल, मनाली और तोश गांव भी पहुंचे। तोश गांव में दुनिया भर से ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े तमाम बड़े खिलाड़ी आते हैं और नशे के कारोबार की पार्टनरशिप की शुरुआत करते हैं। तोश गांव में लोग दुनिया भर से आए लोगों को अपने ही घरों में ठहराते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इस इलाके में बने जितने भी छोटे बड़े होटल्स हैं, वो यहाँ आने वाले लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। जांच करने तोश गई दिल्ली पुलिस। अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं आफताब का श्रद्धा को मुंबई से इतनी दूर ऐसी जगह पर लेकर जाना क्या सिर्फ घूमने का टूर था, या इसके पीछे की वजह अपना ड्रग सिंडिकेट खड़ा करना था। दिल्ली पुलिस ने जब आफताब के फोन की जांच की और उसकी CVR खंगाली, तो पता चला कि वो काफी ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जो चरस पीने के आदि हैं और अपने नशे के लिए वो कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में अब ड्रग्स का भी एंगल जुड़ गया है और पुलिस अब इसको लेकर भी जांच कर रही है कि ड्रग्स पेडलिंग का हिस्सा बनने से इनकार करना तो कहीं श्रद्धा की मौत की वजह नहीं बनी। दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार मेहरौली के जंगल में एक जबड़ा और कुछ हड्डियां मिली। ये कहना आसान नहीं है कि ये इंसान की हैं या फिर जानवर की हैं। पुलिस ने इनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और जल्द ही इस पर खुलासा होगा। श्रद्धा मर्डर केस में अभी कई खुलासे होना बाकी है। इस गुत्थी को सुलझाने और सच को बेनकाब करने के लिए पुलिस लगातार जांच में जुटी है। आप देख रहे हैं Zee News, मैं हूं दीपाली सिन्हा।